नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं लेकिन आज इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। जो ऑलरेडी डिस्कस पढ़ चुके हैं, मेरे वो वाले वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए तो बहुत फायदा होगा। जो नहीं देख चुके वो भी जाके देख सकते हैं, वैसे उनको भी समझ में आएगा। तो इस वीडियो में जुड़े रहे लास्ट तक, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, हैज टू हैव टू। दोस्तों हैज टू हैव टू का यूज करते हैं ना है या ना पड़ता है। और दोस्तों ध्यान से देखना, ये ज्यादातर बोलचाल में यूज किए जाते हैं। तो हैज टू हैव टू, ना है या ना पड़ता है, इस तरह की पहचान इसमें देखने को मिलती है। और दोस्तों इसी का पास्ट हमारा होता है दूसरा हैड टू। हैड टू लगाते हैं ना था या ना पड़ा या ना पड़ता था, तो हैड टू में हो जाएगा। और इसी का ही फ्यूचर की बात करें तो हम बोल सकते हैं विल हैव टू या शैल हैव टू। तो विल हैव टू या शैल हैव टू की पहचान देखने को मिली, ना पड़ेगा या ना होगा, इस तरह की पहचान हमें देखने को मिलती है। और इसका ही चौथा है दोस्तों, यहां बात कर सकते हैं कैन हैव टू की या कुड हैव टू। कैन हैव टू का यूज करते हैं जब भी क्या हो रहा है, ना पढ़ सकता है, इस तरह की पहचान लास्ट में आती है। तो हम क्या बोलेंगे, कैन हैव टू का यूज करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब देखते हैं इनके एग्जांपल चारों के, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा मुझे पानी पीना है तो आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे घर जाना है आई हैव टू गो होम, मुझे स्कूल जाना है आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे आपसे बात करनी है आई हैव टू टॉक विथ यू। ऐसे ही हैड हो जाएगा, आई हैड टू टॉक विथ यू, मुझे तुमसे बात करनी थी। दोस्तों थी आ गया तो यहाँ हैड टू लग गया, अब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी तो यहाँ हो जाएगा आई हैव टू टॉक, आई विल हैव टू टॉक विथ हिम, तो यहाँ विल हैव टू लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ध्यान देना, हैज टू हैव टू है ना है के लिए, हैड टू ना था के लिए, विल हैव टू ना होगा के लिए। प्रैक्टिस करनी है आपको और इसके बहुत सारे एग्जांपल बनाने हैं। जैसे मैंने कहा मुझे आज बाजार जाना पड़ सकता है तो आई कैन हैव टू गो टू मार्केट टूडे, इस तरह से आप बना सकते हैं। और दोस्तों अब है नेक्स्ट आपके सामने गोइंग टू। गोइंग टू का यूज करते हैं ने जा रहा है, ध्यान देना ने जा रहा है। गोइंग टू का पूरे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों में यूज होता है। यदि है आ गया तो प्रेजेंट है, था आ गया तो ये पास्ट है, और गा आ गया तो फ्यूचर है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोस्तों इसकी यदि ये हो गया पहचान। अब रूल आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्जेक्ट सबसे पहले, इज एम आर वॉज वर या विल बी शैल बी। इज एम आर लगाते हैं है के लिए, वॉज वर लगाते हैं था के लिए, और विल बी शैल बी लगाते हैं होगा के लिए। तो विल बी शैल बी और उसके बाद गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, इस तरह से हमारा ये रूल हो जाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। जैसे आप मान लो पोडियम में आए और पोडियम में कुछ बोलना चाहते हैं तो, या गाना गाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में टुडे आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, आज मैं आपके सामने एक गाना गाने जा रहा हूं। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने अबाउट टू। अबाउट टू का यूज करते हैं दोस्तों जब भी हिंदी में ने वाला है या ने ही वाला है, इस तरह की पहचान आती है तो हमेशा अबाउट टू का यूज करते हैं। रूल आपको पता ही है, जैसे मैंने अबाउट गोइंग टू में बताया, बस कुछ नहीं चेंज करना है, गोइंग टू की जगह अबाउट टू हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रूल हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले, इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी में से एक चीज किसके अकॉर्डिंग, पहचान के अकॉर्डिंग, है तो इज एम आर, था तो वॉज वर, होगा तो विल बी शैल बी, उसके बाद अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, इस तरह से रूल हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं तो आई एम अबाउट टू मेक या क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप फॉर यू। दोस्तों यहां इस तरह से बना सकते हैं, अबाउट टू ने वाला है। और हाँ दोस्तों, मैंने वास्तव में आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने ये पर्पज है हमारा कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप का उसमें लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, इसमें वीलीड्स इंग्लिश क्लब के नाम से ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ हम लोग, मैं शाम को 7 से 8 या 8 से 9 आपके साथ मिला करूँगा और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किया करेंगे। तो इस तरह से हम आपके डाउट्स आपसे जुड़ सकते हैं, आपको जितनी प्रॉब्लम्स होगी इंग्लिश में वो उनका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब अबाउट टू की बात की, ने वाला है, ध्यान देना। अब इसी तरह से आगे चलते हैं एबल टू।
एबल टू लगाते दोस्तों पाता है, पाती है, पाते हैं, इस तरह की पहचान आती है, या पाता था, या पाया, या सकेगा, पाएगा, या पाता होगा, इस तरह से पहचान देखने को मिलती है। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो भी डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें दोस्तों रूल वही, बस गोइंग टू की जगह अबाउट टू, अबाउट टू की जगह एबल टू, और कोई चीज नहीं, वही सब्जेक्ट, वही इजम और वॉज वर, वही एबल टू, एबल टू अलग हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस तरह से रूल हो जाता है। और यदि बात करें एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा मैं उससे नहीं मिल पाया, तो आई वॉज नॉट एबल टू मीट विथ हिम, वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, तो ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा तुम उसको नहीं पीट सकोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू बीट हिम, मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊंगा। ध्यान देना दोस्तों, ऐसे हम लेटर एप्लीकेशन में लिखते हैं अक्सर, मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो यहां हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल टुमारो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट आपके सामने है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज करते हैं दोस्तों, ना पढ़ रहा है मतलब इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कोई काम करना पड़ रहा है, तो वहां हैविंग टू का यूज करते हैं। जैसे इसमें भी रूल वही, सब्जेक्ट सबसे पहले, इज एम आर, हैविंग टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। रूल दोस्तों एक जैसे ही है, कुछ नहीं किया, गोइंग टू, अबाउट टू, हैविंग टू, एबल टू, इनमें थोड़ा सा चेंजेज आया, बाकी सेम टू सेम है। अब इसमें एग्जांपल की बात करते हैं हैविंग टू में, जैसे मैंने कहा मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वैसे तो मेरी इच्छा रहती है आपको पढ़ाने की, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम हैविंग टू टीच यू, मुझे आज बाजार जाना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ रहा है, तो यहां हो जाएगा आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट टूडे, मुझे उससे मिलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू मीट विथ हिम, इस तरह से बन जाएगा। यदि यहां था आ गया तो वॉज वर्ब, यदि होगा आ गया तो विल बी शैल बी। बहुत ईजी है दोस्तों, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और इसका कोई भी डाउट होता है जैसे मैंने कहा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां हम आगे की चर्चा करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिविजन ले रहा हूं इसका, ध्यान से देखना, आपको भी घर पे उसी तरह से करना है। क्या करना हैज टू, हैव टू, ना है के लिए, हैड टू, ना था के लिए, विल हैव टू, ना होगा के लिए, गोइंग टू, नहीं जा रहा है के लिए, अबाउट टू, नहीं वाला के लिए, और अबाउट, एबल टू, पाता है, पाती है, और उसके बाद हैविंग टू, ना पढ़ रहा है। ये हमने टू वाले रूल पढ़े। इनके बाद दोस्तों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो अभी हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने, फिर बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतनी, थैंक यू सो मच।